मैंने क्या कहा था तुझसे कि अगर हमारे रास्ते का रोड़ा बनोगे मर्द कभी कानून का सहारा नहीं लेते। तू तो ना मर्द निकला कुत्ते साला, कैसे वार किया तुझे तो ज्यादा तेरा गला। इंस्पेक्टर देखा देखा साले की हिम्मत बता देते हैं, पुलिस के सामने मेरे गले बाल पे हाथ डालता है। इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर सभा, इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर सभा लो यही नाम अपना। और इसमें पर संभालो और यही नाम अपना, इसमें कर संभालो और यही नाम अपना, पूरा हुआ अरे भोसड़ी के औरतिया को एक्सीडेंट करा के ले आए हो और थाने में माँ है साहब मेरी माँ, एक्सीडेंट हो गया और लेकर के आ गए हो और एफआईआर लिखवाते हो ठाकुर भवानी सिंह की, क्यों रे? अबे खून 8:30 बजे और 9 बजे के बीच हुआ। हवलदार ठाकुर साहब कितने समय से मौजूद थे यहाँ पे? 8 बजे से। और ये पैसे तूने पैसे देखे हैं? और अब देख तेरे साथ क्या होता है। तो सिपाहियों बस कर लो इसे, आए सिपाहियों जोड़ता हूँ।
सा हमारा नहीं मेरे खूनी सा हमारा नहीं मेरे खूनी नहीं बस गया तेरे तकती रहम तो कीजिए कर दो और इसका जितना इसके शरीर में गर्म खून है वो सारा का सारा खुरच खुरच कर निकाल दूंगा। आ जाए मां का खून नहीं किया है तो इसका खून ठाकुर भवानी सिंह के और उसके दोस्त ने किया क्यों आ जाए सुनो और तूने हक में हमारे बुरा कर दिया तो तूने हक में हमारे बुरा कर दिया
पे खून का इल्जाम लगा के और हम कानून वालों को गुमराह करते हो। और तूने खता किया है, तुझको सजा मिलेगी। तूने खता किया है, तो तूने खता किया है और तुझको सजा मिलेगी। और जैसा किया है तूने नहीं जो चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई, बीबी का मेकअप का खर्चा और ये सब ढेर सारा जो है रोजगार, ये पैसे से नहीं चलता। जब तक ओवर इनकम ना हो, ये वर्दी रुपया पैदा करने की मशीन है। अकेले अकेले ले ले हो और हमको तो कुछ समझ ही दो हवलदार, क्योंकि तुम और चौकीदार ये सभी लोग जो है इस केस के बराबर के हिस्सेदार हो। फिलहाल आपको भी सिग्नेचर करने पड़ेंगे कि ठाकुर साहब 8 बजे से यहाँ थाने में मौजूद थे, ठीक है। चौकीदार देखिए, एक बात का वादा करो, तुमको इस बात का जो है जब हम जीडी पर जो है एफआईआर दर्ज करेंगे, जी सर, उसमें हम लिखेंगे कि जो है ठाकुर भवानी सिंह हमारा बचपन का दोस्त है और वो थाने में 8 बजे से मौजूद था, जी सर, तो उस पे आपको जो है सिग्नेचर करने पड़ेंगे। आप जहाँ करेंगे सर तो हम क्यों नहीं? अरे हम तो पूरी फाइल ही तैयार करेंगे, तो जब बड़े साहब हमारे कर देंगे तो हमको सिग्नेचर करने लो, ठीक है, ठीक है सर। और बाकी हमारे क्वार्टर पे चले, ठीक है सर। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोगों के समय छा गई, शीत बढ़ रही है, देखो होशियारी, 500 मोम बनाई गई। अरे चलो छोड़ो, चलो कुछ सुनाते, चलो चलो बड़ा सुनाओ, अच्छा कुछ चलो चलो सुनाओ। आप लोगों के समझ अब हमारे दुर्जन सिद्धेश्वरी देखिएगा क्या बात है। आई हुई जनता को, आई हुई जनता को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। मेरा ही नाम है दुर्जन सिंह, मैं मलेटी से रिटायर होकर के जसवंत नगर को आओ वापस आ गया हूँ। जसवंत नगर का रहने वाला हूँ। परिवार के अंदर मेरे एक औलाद है और मेरी वाइफ खत्म हो गई थी, केवल एक ही औलाद है। वो बीए का पेपर देने गया है और पढ़ करके आ रहा होगा बैठपनी झारखंड। पिताजी और पिता तुम्हारे चरण में
बेटा अर्जुन सिंह सुनो मेरी बात को, और जुगु जुगु बे का तुम जियो और बड़े तेरी माँ खत्म हो गई थी। मैं ऊपर वाले से हमेशा दुआ करूंगा कि तरीके से मैंने मिलिट्री में नौकरी पाई थी उसी तरीके से तू भी कोई पुलिस अफसर बनेगा। मगर एक बात बता, बोलो बीए का पेपर देने गया था, सुन मेरी बात, और पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई का क्या है, और पढ़ाई का क्या है, और समाचार बेटा, और करो राजा दिल का उधार बेटा, करो राजा दिल का का पेपर देने गए थे पास हुई या फेल। पिताजी हाँ, पढ़ाई का हाल जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल बेटा, बैठो पिताजी। और पढ़ाई किया था मैं जितनी पिताजी पढ़ाई किया, पास हो गए हो, मेरी हर मनोकामना बेटा तुम पूरी करते रहोगे, और मैं यही उम्मीद करता हूँ, रात दिन ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि कोई तू पुलिस अफसर बने। बोलो, एक बात मैं भूल ही गया, मैं ट्रेनिंग के वास्ते एक मैंने खत डाला था, तो ट्रेनिंग के वास्ते मैं भोपाल बुलाया गया। क्या भोपाल बुलाया गया हो? जी बापू। तो फिर ठीक है, जाओ, ओ जब तुम डोगी जान कर लेना तब हमारे पास खत डालना, बड़ी सी बात है। तो जा रहा हूं पिता के लिए भोपाल का, और भक्त मुक्ति का भंडार हो पास।
बाद मेरी तुमसे यही उम्मीद है, जाओ जिस टाइम तुम ड्यूटी ज्वाइन करना मेरे पास खत डाल देना। जैसी आज्ञा बापू। जाओ टाइम हो रहा है, और कुछ जरूरत है? पिताजी कहो क्या कहना चाहते हो? और तुमने एक बात की याद दिला दी। वो कौन सी बापू? बोल बेटा बोल, आंखों से आंसू को गिरा रहा है। वो याद बाकी ये बापू दिलावो नहीं। ये बात भूल जाओ, भूल तो रहा हूँ मगर सिर्फ गम यही रहता है कि रात दिन तेरी माँ का गम रहता है। जाओ जाओ आसमान खड़ा है, इकलौती औलाद है, और ऊपर वाले से मैं यही दुआ करता हूँ जिस तरीके से मैं मरेटी से रिटायर होकर के जसवंत नगर आया हूँ, उसी तरीके से मेरा बेटा भी कोई पुलिस समय हो गया। अगर कॉलेज के लिए देर हो जाएगी तो मेरे बापू नाराज हो जाएंगे, इसलिए धरती कॉलेज को जाऊं और पढ़ के शाम होने से पहले अपने हम मेरे बचपन तो जा जवानी बोलिएगा मालिक, आज मेरा मूड अच्छा है। क्या मूड अच्छा है? हाँ तो बोलिएगा मालिक। और आज हम और तुम दोनों लोग टहलने के लिए चलेंगे, है ना? चलोगे? लेकिन क्या है मालिक? चले बोलिएगा मालिक। कहते हैं वो जिसके सपने हमें रो लुभाते रहे, लुभाते रहे, ये बता दे बता दे, ये बता दे कहीं तुम वही तो नहीं, वही तो वो जिसके जवानी मोरा